दोस्तों आज हम पढ़ेंगे टॉम जोन्स। इस कहानी की शुरुआत अलवर्दी नाम के एक बंदे से होती है। अलवर्दी अपनी कुंवारी बहन ब्रिडगेट के साथ सोमरसर शायर नाम की एक जगह पर रहता है। एक दिन अलवर्दी लंदन की ट्रिप से वापस अपने घर आता है और जैसे ही वह अपने घर में घुसता है उसे अपने बेड पर एक बच्चा रखा हुआ मिलता है। अलवर्दी उस बच्चे को वहाँ रखा हुआ देखकर परेशान हो जाता है और वह उस बच्चे के माँ बाप को ढूंढने लगता है। छानबीन करने के बाद अलवर्दी को ये पता लगता है कि ये बच्चा पास में रह रही एक पड़ोसन का है जिसका नाम जेनी जोन्स है। जेनी जोन्स ने अपने ट्यूटर के साथ संबंध बनाए थे और जब जेनी जोन्स का बच्चा हुआ तो उसने इस बच्चे को अलवर्दी के घर पर छोड़ दिया ताकि उसकी बदनामी ना हो। दोस्तों अलवर्दी बहुत ही बढ़िया इंसान है, बहुत अच्छी आदत का है, सभी की फीलिंग्स को समझता है और उनकी कदर करता है। अलवर्दी जेनी जोन्स को शहर से बाहर भेज देता है ताकि उसकी बदनामी ना हो और अलवर्दी ये फैसला करता है कि जेनी जोन्स के बेटे को वह पाल पोस कर बड़ा करेगा। हालांकि अलवर्दी को पता है कि समाज में उसकी बहुत बेइज्जती होगी, बहुत से सवाल उठेंगे, लेकिन फिर भी लोगों की परवाह ना करते हुए अलवर्दी उस बच्चे को अपने साथ रखता है। दोस्तों थोड़े समय बाद अलवर्दी की जो कुंवारी बहन थी ब्रिडगेट वो शादी कर लेती है कैप्टन ब्लीफील्ड से और शादी के थोड़े समय बाद ही ब्रिडगेट का एक लड़का होता है और उस बच्चे का नाम होता है ब्लीफील। अब दोस्तों जो बच्चा अलवर्दी को बेड पर रखा हुआ मिलता है वो बच्चा भी अलवर्दी ब्रिडगेट को दे देता है और उस बच्चे का नाम अलवर्दी रखता है टॉम जोन्स। अब इस बात से कैप्टन ब्लीफील खुश नहीं था। कैप्टन ब्लीफील बहुत ही जलता था टॉम जोन्स से। कैप्टन ब्लीफील को लगता था कि अलवर्दी की सारी प्रॉपर्टी पर उसके बेटे का हक होना चाहिए। टॉम जोन्स एक लावारिस है, नाजायज़ औलाद है, इसके बावजूद भी टॉम जोन्स को मेरे बेटे ब्लीफील की तरह ही क्यों ट्रीट किया जाता है, उसको अलवर्दी और ब्रिडगेट क्यों प्यार करते हैं। लेकिन दोस्तों कैप्टन ब्लीफील टॉम जोन्स का बुरा सोचते सोचते खुद ही मर जाता है थोड़े समय बाद। अब जो कहानी का नरेटर है वो कहानी को 12 साल आगे ले जाता है। द नरेटर स्किप्स फॉरवर्ड 12 ईयर्स। ब्लीफील और टॉम जोन्स दोनों को साथ में बड़ा किया जाता है, लेकिन दोस्तों घर के जो और मेंबर्स हैं, जो रिलेटिव्स हैं, वो टॉम जोन्स को ज़रा भी पसंद नहीं करते थे। सिर्फ अलवर्दी ही था जो टॉम जोन्स का ख्याल रखता था और टॉम जोन्स को बहुत प्यार करता था। दोस्तों अलवर्दी का एक नौकर था ब्लैक जॉर्ज, तो ब्लैक जॉर्ज की फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए टॉम जोन्स ने चोरी करना शुरू कर दिया। टॉम जोन्स कभी बत्तख चुराता था, कभी एप्पल चुराता था ताकि वह ब्लैक जॉर्ज की मदद कर सके, और ये बात टॉम ने ब्लीफील पर भरोसा करके उसको बता दी। टॉम को लगता था कि ब्लीफील उसका भाई है और उसे ये बात ब्लीफील को बता देनी चाहिए, लेकिन ब्लीफील अलवर्दी को जाकर बता देता है कि टॉम जोन्स ऐसे ऐसे चोरी कर रहा है। लेकिन दोस्तों जो ब्लैक जॉर्ज के साथी थे, जो ब्लैक जॉर्ज की बस्ती में रहते थे और ब्लैक जॉर्ज की तरह ही नौकरी करते थे, उनकी नज़रों में टॉम जोन्स की इज्जत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वह गरीब लोग टॉम जोन्स को मसीहा की तरह देखने लगते हैं और ब्लीफील से नफरत करने लगते हैं क्योंकि ब्लीफील ने अलवर्दी को जाकर सब कुछ बता दिया था। दोस्तों अब कहानी में एक और करेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, स्क्वायर वेस्टर्न। स्क्वायर वेस्टर्न अलवर्दी का पड़ोसी है, अलवर्दी के पड़ोस में रहता है और दोस्तों स्क्वायर टॉम को बहुत पसंद करने लगता था क्योंकि टॉम ब्लैक जॉर्ज की फाइनेंशियली हेल्प कर रहा था। टॉम को गरीबों से हमदर्दी थी, इस वजह से स्क्वायर टॉम को बहुत पसंद करता था और टॉम भी स्क्वायर के साथ काफ़ी वक्त गुजारने लगा। स्क्वायर की एक बेटी थी सोफिया वेस्टर्न। सोफिया भी टॉम को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी थी। शी फॉल्स डीपली इन लव विद टॉम। लेकिन दूसरी ओर टॉम मॉली से मोहब्बत करता था। मॉली ब्लैक जॉर्ज की बेटी थी। दोस्तों थोड़े दिन में मॉली प्रेग्नेंट हो जाती है। टॉम मॉली से प्यार करता था लेकिन टॉम का ध्यान सोफिया की तरफ भी भटक रहा था। टॉम मॉली से तो प्यार करता था लेकिन अब टॉम का जो ध्यान था वो सोफिया की तरफ भी भटकने लगा था।
सोफिया की खूबसूरती उसके दिमाग में बस गई थी। टॉम बड़ा परेशान था, वो फैसला नहीं कर पा रहा था कि उसे सोफिया को चुनना चाहिए या फिर मोली को चुनना चाहिए। और फिर एक दिन टॉम को ये पता लगता है कि मोली का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है और जिस बच्चे की माँ वह बनने वाली है वो बच्चा टॉम का नहीं बल्कि किसी और का है। ये जान के टॉम बहुत गु़स्सा हो जाता है और वह मोली को छोड़ने का फ़ैसला करता है और सोफिया के पास चला जाता है। अब दोस्तों अचानक से मिस्टर अलवर्दी की तबीयत ख़राब हो जाती है। अलवर्दी को लगता है कि उसका वक्त अब आ गया है, वह मरने वाला है, इसलिए अलवर्दी अपनी पूरी फैमिली को अपने पास बुला लेता है। अलवर्दी फैसला करता है कि उसकी जायदाद का एक बहुत बड़ा हिस्सा ब्लेफिल को मिलेगा और एक छोटा हिस्सा टॉम को भी मिलेगा। ब्लेफिल इस बात से बहुत खुश हो जाता है, लेकिन दोस्तों टॉम को ज़रा भी खुशी नहीं है। दरअसल टॉम को जायदाद और पैसे से मतलब नहीं है, टॉम अलवर्दी की हालत को देखकर दुखी है। टॉम अपना ज़्यादातर टाइम अलवर्दी के साथ बिताने लगा। अब दोस्तों धीरे धीरे अलवर्दी की कंडीशन सुधरने लगी। ये देख के टॉम बहुत खुश हो जाता है, झूमता है, नाचता है, पार्टी करता है और जश्न मनाने लगता है, शराब भी पीता है। लेकिन दूसरी ओर ब्लेफिल बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और टॉम और ब्लेफिल की लड़ाई भी हो जाती है। ब्लेफिल फ्रस्ट्रेशन में टॉम को बास्टर्ड बोल देता है। बास्टर्ड उसे कहते हैं जो नाजायज़ होता है। टॉम भी चुपचाप ब्लेफिल की बकवास नहीं सुनता, टॉम भी ब्लेफिल को मारता है। दोस्तों अब कहानी में एक और न्यू करेक्टर आता है, मिसेस वेस्टर्न। मिसेस वेस्टर्न सोफिया की आंट हैं। तो मिसेस वेस्टर्न और सोफिया के फादर स्क्वायर वेस्टर्न दोनों मिलकर ये फैसला करते हैं कि सोफिया की शादी ब्लेफिल से करवा देनी चाहिए। हालांकि सोफिया इस प्रपोज़ल से नाखुश होती है, लेकिन सोफिया की कोई नहीं सुनता और सोफिया और ब्लेफिल के रिश्ते की बात होने लगती है। दूसरी ओर ब्लेफिल अलवर्दी को जाकर सब कुछ बता देता है। ब्लेफिल अलवर्दी से कहता है कि टॉम एक बहुत बुरा इंसान है और वह शराब भी पीता है। अलवर्दी शराब का नाम सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और वह टॉम को घर से बाहर निकाल देता है। दोस्तों घर से निकाले जाने पर टॉम इधर से उधर घूमता रहता है। घूमते घूमते टॉम एक शख्स से मिलता है, मिसेस वाटर्स। मिसेस वाटर्स को टॉम लुटेरों से बचाता है और मिसेस वाटर्स और टॉम के बीच में अफेयर शुरू हो जाता है। मिसेस वाटर्स और टॉम एक पास के होटल में जाकर ठहरते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सोफिया परेशान होकर घर से भाग जाती है क्योंकि उसके फादर उसके पीछे पड़े हुए थे ब्लेफिल से शादी करने के लिए, और सोफिया ब्लेफिल से शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह घर से भाग जाती है। और घर से भाग जाने के बाद वह उसी होटल में जाकर ठहरती है जिस होटल में टॉम और मिसेस वाटर्स ठहरे हुए हैं। सोफिया को पता लग जाता है कि टॉम और मिसेस वाटर्स का चक्कर चल रहा है। सोफिया गुस्सा भी है और दुखी भी है। सोफिया अपना मफ टॉम के बेड पर छोड़ देती है ताकि टॉम जब रूम में आए तो उसे पता लग जाए कि सोफिया भी इस होटल में थी और उसे टॉम और मिसेस वाटर्स के बीच चल रहे रिलेशन के बारे में सब कुछ पता लग गया है। मफ, अगर आपको नहीं पता किसे कहते हैं तो उसका फ़ोटो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो वाइट कलर का इन मोहतरमा ने पहन रखा है इसे कहते हैं मफ। ये हाथों को गर्म रखने के काम आता है। तो ये मफ सोफिया टॉम के बेड पर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। जब टॉम अपने रूम में आता है तो उसे सोफिया का मफ मिलता है और उसे पता लग जाता है कि सोफिया भी इसी होटल में ठहरी हुई थी। मफ मिलते ही टॉम सोफिया को इधर से उधर पागलों की तरह से ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन टॉम को सोफिया कहीं पर भी नहीं मिलती। अब दोस्तों धीरे धीरे वक्त बीतता है। मिसेस वाटर्स के बाद टॉम और भी कई लड़कियों से मिलता है जिनमें से एक होती हैं लेडी बैलेस्टन। हालांकि टॉम के बहुत सी लड़कियों के साथ संबंध रहे हैं, लेकिन टॉम दिल से सोफिया को ही चाहता है और आखिरकार टॉम सोफिया को शादी करने के लिए प्रपोज कर देता है। लेकिन ये बात
लेडी बैलिस्टन को हजम नहीं होती। लेडी बैलिस्टन नहीं चाहती कि टॉम और सोफिया के बीच रिलेशन डेवलप हो, इसलिए लेडी बैलिस्टन एक लड़के को हायर करती हैं जिसका नाम है लॉर्ड फेलेमर। लॉर्ड फेलेमर को लेडी बैलिस्टन कुछ पैसे देती हैं और उससे कहती हैं कि तुम सोफिया का रेप कर दो। अब दोस्तों इसके बाद का सीन लंदन का है। स्क्वायर वेस्टर्न, मिसेस वेस्टर्न, ब्लेफेल और अलवर्दी सभी लोग लंदन में हैं और मिस्टर फिट्स पैट्रिक भी लंदन में आ जाते हैं टॉम को मारने के लिए। मिस्टर फिट्स पैट्रिक को लगता है कि टॉम का उनकी वाइफ मिसेस वॉटर्स के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए मिस्टर फिट्स पैट्रिक टॉम को ड्यूएल के लिए ललकारते हैं। ड्यूएल यानी वो लड़ाई जिसमें तब तक लड़ाई होती है जब तक कोई एक मर ना जाए। पहले ज़माने में ड्यूएल करवा कर ही फैसला हुआ करता था। ऐसा कहा जाता था कि जो इंसान गलत है वो ड्यूएल में मर जाएगा और जो सही है वो बच जाएगा। तो टॉम और मिस्टर फिट्स पैट्रिक का ड्यूएल होता है। टॉम अपने आप को बचाने के लिए फिट्स पैट्रिक के पेट में तलवार घुसा देता है और फिट्स पैट्रिक पर जानलेवा हमला करने के लिए टॉम को जेल हो जाती है। दोस्तों इसके बाद हमें पता लगता है कि मिसेस वॉटर्स और कोई नहीं बल्कि जेनी जोन्स हैं। जेनी जोन्स यानी टॉम की माँ। जो नॉवल की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि अलवर्दी के बिस्तर पर एक बच्चा छोड़ गई थी जेनी जोन्स, वो होती है मिसेस वॉटर्स। तो मिसेस वॉटर्स ही जेनी जोन्स हैं और मिसेस वॉटर्स अलवर्दी के पास आती हैं और कहती हैं कि उसका हस्बैंड फिट्स पैट्रिक अभी भी ज़िंदा है, मरा नहीं है। यहाँ पर अलवर्दी को ये भी पता लगता है कि ब्लेफेल टॉम के ख़िलाफ़ साजिश रच रहा है। अलवर्दी को जब यह बात पता लगती है तो वह डिसाइड करता है कि वह अब कभी भी ब्लेफेल से बात नहीं करेगा। मिसेस वॉटर्स एक सच और बताती हैं अलवर्दी को और ये सच जानकर सबके होश उड़ जाते हैं। मिसेस वॉटर्स बताती हैं कि टॉम उनका बेटा नहीं है, बल्कि टॉम तो तुम्हारी बहन ब्रिडगेट का बेटा है, यानी टॉम और अलवर्दी का खून का रिश्ता है। इसके बाद टॉम जेल से रिहा हो जाता है। टॉम और अलवर्दी एक दूसरे से मिलते हैं और अब इन दोनों की बाउंडेशन और भी ज़्यादा गहरी हो गई है। इन दोनों के बीच जो प्यार था वो कई गुना ज़्यादा बढ़ गया था। और क्योंकि टॉम अलवर्दी का रियल नेफ्यू है और अलवर्दी की प्रॉपर्टी का वारिस है, इसलिए अब स्क्वायर वेस्टर्न भी बहुत बेताब है अपनी बेटी सोफिया की शादी टॉम से करने के लिए। और नॉवल के एंड में टॉम और सोफिया की शादी हो जाती है। सब लोग बहुत खुश होते हैं और टॉम और सोफिया के दो बच्चे भी होते हैं और इसी तरह खुशी खुशी कहानी ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये नरेशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।